नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह को हम तीन वीडियोस के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। इसका ये पहला वीडियो है जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों पर हम चर्चा करेंगे। तो कई कारण होते हैं इसमें, ये कुछ कारणों के नाम लिखे हुए हैं, इन कारणों पर हमको क्रमशः चर्चा करना है एक एक करके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। इनमें से पहला ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के प्रयास। कई नीतियों के द्वारा इन्होंने ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसके विस्तार का लगातार प्रयास जारी रखा। और आप देखेंगे जब ब्रिटिशर्स को पता चलता है, यानी महारानी को पता चलता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसका मुख्य कारण ब्रिटिश जो साम्राज्य का विस्तार है, इस वजह से फिर इस विद्रोह का प्रभाव भी सकारात्मक पड़ेगा और जो नीति है विस्तारवादी नीति उसको इस विद्रोह के पश्चात समाप्त कर दिया जाएगा। यानी इस विद्रोह के बाद 1857 के बाद से ब्रिटिश अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। तो साम्राज्य के विस्तार की के प्रयास किए जा रहे हैं कई नीतियों के माध्यम से, चाहे वो राज हड़प नीति रही हो, चाहे वो सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि रही हो। इस तरह से कई नीतियों के द्वारा ये राज्य को बढ़ाने की जो नीति थी वो एक बहुत बड़ा कारण था इस विद्रोह होने का। प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें उनके हिसाब से पद नहीं दिए जाते थे उनकी योग्यता के हिसाब से, ये भी बड़ा कारण था। और आप एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो इनाम कमीशन है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इनाम कमीशन का गठन कब किया गया था, तो बताना है 1854 में। क्यों किया गया था तो आपसे पूछेगा, तो बताना है जागीरों की जाँच के लिए। जागीरों की जाँच के लिए का मतलब ये है कि बहुत समय पहले अंग्रेजों ने कई लोगों को जागीरें दी थी। अब वो जागीरें जिनको दी गई थी वो तो इस दुनिया से चले गए थे, हालांकि उनके बेटे उनके जो नाती थे वो लोग उन जागीरों का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि गैर कानूनी था। तो उनकी जांच करवाई गई किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। उस जांच के लिए इस कमीशन का गठन किया गया और जांच में पाया गया कि ऐसी बहुत सारी जागीरें जो हैं जिनके नाम दी गई वो है ही नहीं, वो मर चुके हैं और फर्जी चल रही। इस तरह से उस ढेर सारी जागीरों को डलहौजी जब्त कर लेता है। इस तरह से वो लोग भी काफी ज्यादा नाराज हो गए जिनकी जागीरें चली गई थी। तो इनाम कमीशन इंपॉर्टेंट है, किसके लिए गठन किया गया था इनाम कमीशन का, जागीरों की जांच के लिए डलहौजी के द्वारा 1854। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के बारे में हम अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे, वहां से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। हड़प नीति के अलावा हम सहायक संधि को भी अलग से चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। मुगल शासकों के साथ व्यवहार भी अपमानजनक किया जा रहा है, क्रमशः एक एक करके देख लेते हैं कैसे इनके व्यवहार किया जाता है इनके साथ। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 1803 में मुगल सम्राट के साथ क्या किया जाता है, उसको ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया जाता है। ठीक, उसको कहा जाता है कि आप ब्रिटिश संरक्षण में रहेंगे, जो हम कहेंगे वैसा ही आप करेंगे। इसके बाद 1823 में एमहर्स्ट क्या करेगा, अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि मुगल ऊंचाई पर रहता था और नीचे आकर के अंग्रेज मिला करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, एमहर्स्ट ने बराबरी में आकर के मुलाकात। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजों को किस गवर्नर जनरल ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर आकर के मुलाकात की थी, आपको एमहर्स्ट बताना है। इसी तरह से एलन बरो ने भी क्या किया था, बहादुर शाह को भेंट देना बंद कर दिया था और सिखों से उसका नाम हटा दिया था। अभी तक मुगलों के सिक्कों में उनका नाम या शासकों का नाम हुआ करता था, एलन बरो क्या कर रहा है, सिक्कों का नाम हटा रहा है मुगलों का, भेंट देना बंद कर रहा है, गिफ्ट दिया करता था। जब भी कोई भी अंग्रेज गवर्नर जनरल जाता था मिलने मुगलों से तो वो भेंट लेकर के जाता था, कुछ उपहार लेकर के जाता था। तो क्रमशः इस तरह से हो रहा है अपमान, लगातार उनको हटाया जा रहा है। और कैनिंग ने एक स्टेटमेंट भी कह दिया है कि बादशाह के बाद मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से भी वंचित कर दिया जाएगा और मुगल महल उसको छोड़ना पड़ेगा। यानी अब इसको एकदम खत्म करने की कैनिंग बात कर रहा है। इस तरह के तमाम सारे स्टेटमेंट और तमाम सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे मुगलों को जो उत्तरवर्ती शासक हैं उनको एकदम से अपमानित करेंगी और वो भी विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर हम आर्थिक कारणों की बात करते हैं। तो भू राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों की दयनीय स्थिति हो गई थी। भू राजस्व व्यवस्था इतनी ज़्यादा कठोर थी, तमाम सारे अभी हम पढ़ेंगे अगले वीडियोज में महलवाड़ी रैयतवाड़ी इन सिस्टम्स के बारे में। और इन सिस्टम्स ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो सिस्टम थे इन्होंने भारतीय किसानों को एकदम निचोड़ करके रख दिया था। तो ये कारण थे। कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण पड़ने वाले अकाल। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब ये होता है
ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करते थे अंग्रेज भारतीयों को जिसका वाणिज्य किया जा सके, विपणन किया जा सके, जिनको मार्केटिंग जिनकी की जा सके, यानी जिनको बेचा जा सके, पैसे कमाए जा सके। नगदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित करते थे, जैसे कपास उगाने के लिए प्रेरित करते थे कि भारतीय किसान कपास उगाए, डबरस्ती उनसे की जाती थी इस बात को लेकर के। अफीम का उत्पादन करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता था। इसके अलावा अगर असम तरफ चले जाएं तो वहां पर चाय की खेती की जाती थी, और बंगाल के आसपास जाएंगे तो नील की खेती के लिए प्रेरित किया जाता था। इस तरह तमाम सारे ऐसे उत्पादों के लिए वो प्रेरित करते थे जिसको मार्केट में बेचा जा सके। और जब इस तरह के प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे तो लगातार क्या हो रहा था, जो खाने पीने की वस्तुएं थी गेहूं चावल, इनका उत्पादन कम हो रहा था। जब इनका उत्पादन कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है अकाल पड़ जाएगा। ये भी बहुत बड़ा कारण था कि इस तरह से अकाल पड़ रहे थे। जब अकाल पड़ रहे थे तो लोग एकदम अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। दस्तकारों और शिल्पकारों की दशा भी बहुत ज्यादा बुरी थी। क्यों बुरी थी इसके बारे में हम आर्थिक कारण पढ़ेंगे, यानी एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, ड्रेन वेल्थ थ्योरी वाला। तो वहां पर आपको बताएंगे कि शिल्पकारों की और दस्तकारों की कैसी कंडीशन होती है। वैसे आप जानते हैं इस बारे में कि उन्होंने मशीनों से काटे हुए जो वस्त्र हैं वो यहाँ पर मार्केट बनाई और यहाँ पर उनको बेचना चालू किया। इस तरह से भारतीय जो बुनकर के द्वारा बनाए गए कपड़े पूरी दुनिया में जाने जाते थे वो तहस नहस हो गए, उनका जो बिजनेस है वो ठप हो गया, और वो भी एकदम खाली हो गए थे, इसलिए विद्रोह में वो भी शामिल हुए। पहले नंबर का ये जो हमने आपको बताया फैक्ट, वो राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों की दयनीय स्थिति, उसे एग्जाम्पल मान सकते हैं कि अवध का अधिग्रहण कर लिया जाता है, और अवध के अधिग्रहण के बाद वहां पर एक चलता हुआ बंदोबस्त समरी सेटलमेंट लागू किया जाता है, और उसके तहत अवध का भयंकर तरीके से शोषण किया जाता है, वहां किसानों का भयंकर तरीके से शोषण किया जाता है। इस तरह से आप जानेंगे कि अवध के ही सर्वाधिक सैनिक सेना में भर्ती हुए होते हैं। यानी अवध पहले क्या था, बफर स्टेट का दर्जा दिया जाएगा अवध को, तो अवध काफी ज्यादा मित्र समझेगा अंग्रेजों को कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं। इस वजह से हर घर से एक एक किसान के घर से एक एक सैनिक सेना में भर्ती होगा अंग्रेजों के। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलेगा कि अवध का ही विलय कर लिया गया है, तो वही एकदम से उनको झटका लगेगा, और उस तरह से वही लोग एकदम अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि सबसे ज्यादा सैनिक 1857 की क्रांति में किस प्रांत से शामिल हुए थे, यानी विद्रोह में सबसे ज्यादा सैनिक किस प्रांत के थे, किस जगह के थे। तो आपको बताना है कि अवध के सबसे ज्यादा सैनिक इस विद्रोह में हिस्सा लेंगे। अगला हमारा कारण है सामाजिक तथा धार्मिक कारण। सिंपल सी बात यह है कि हमारे देश में प्रचलित कुछ सामाजिक और धार्मिक जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और जब ऐसा होता है तो भारतीय लोग समझते हैं कि नहीं, ये हमारे धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंजिंग लाने चाहते हैं। इस वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। इनमें से आप देखेंगे ध्यान से तो सती प्रथा निरोधक अधिनियम, सती प्रथा के विरोध में अधिनियम पारित किया जाता है, आपने पढ़ा होगा, पीडियो पढ़ चुका है, 1917 में राजा राममोहन राय के प्रयासों के तहत। इस तरह से विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित किया जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। तो इन प्रयासों इन कामों को देख करके भारतीय लोग एकदम नाराज थे, वो चाह रहे थे, वो जान रहे थे कि अंग्रेज हमारे जो धर्म के पीछे पड़े हैं, हमारे धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं, और हमारे धर्म में परिवर्तन करने के बाद वो क्या करेंगे। 1811 में देख रहे हैं कि ईसाई मिशनरियां को भारत में आने की परमिशन मिल जाएगी, और खुल करके अपना जो प्रचार है धर्म का प्रचार करने की परमिशन मिल जाएगी। आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं ईसाई मिशनरियों के तहत आई हैं गाँव में, और गाँव में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को अपने धर्म में आने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस तरह से होने लगा था, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी उनके सामने, और उस प्रॉब्लम को भी वो सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रॉब्लम क्या आएगी कि जिस व्यक्ति के भी पास जाएंगे ये कहेंगे कि आप हमारा धर्म स्वीकार कर लिए, हम आपको एजुकेशन देंगे, तमाम सारी चीजें देंगे, पैसा रुपया देंगे, तो वो धर्म वो व्यक्ति मान तो लेगा था कि हम आपका धर्म स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके जो माता पिता होते थे वो अपनी पैतृक संपत्ति से उसको निष्कासित कर देते थे। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, ईसाई धर्म हमने स्वीकार करने की योजना बनाई, हम इनके बहकावे में आ गए, तो हमारे माता पिता क्या करेंगे, हमको उत्तराधिकारी जब हम बनेंगे, या हमारे जो पैतृक जमीन है जब हमारा बंटवारा होगा भाई भाई में, उस जमीन में हमको अधिकार नहीं मिलेगा। इस वजह से हम प्रेरित नहीं होंगे कि जब हमें जमीन नहीं मिलेगी अपनी पैतृक, तो हम इस धर्म को स्वीकार करने में प्रेरित नहीं होंगे। लेकिन इस बात का पता चल गया अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने सोचा कि इसका भी कुछ निराकरण करते हैं, और इसीलिए 1850 में
1850 में डलहौजी के द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है, उसको धार्मिक अयोग्यता अधिकार अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये इसका मूल नाम है इस एक्ट का, लेकिन इसे लेक्स लॉकी कानून के नाम से जाना जाता है। अब ये लेक्स लॉकी कानून क्या काम करता है, हमने अभी आपको बताया कि उत्तराधिकार में उस व्यक्ति को जिसने, जैसे मान लीजिए हमने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, अब हमको हमारे पिताजी के से जमीन में अधिकार दिलवाएगा। अभी तक हमारे गार्जियन क्या कहेंगे कि आपको जमीन में अधिकार नहीं मिलेगा अगर आप दूसरा धर्म स्वीकार करो, लेकिन इन्होंने एक एक्ट बना दिया और इसके तहत क्या होगा कि आपको जमीन में अधिकार पत्रक जो अधिकार है जमीन में वो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, जमीन भी प्राप्त करेंगे उधर से और उधर से धर्म भी स्वीकार कर लेंगे। इस तरह से इनका जो ये ईसाई बनाने का जो कार्यक्रम है वो तेजी से बढ़ेगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लेक्स लॉकी कानून किसने पारित किया, अब कब पारित किया, 1850 डलहौजी, और किस एक्ट को धार्मिक अयोग्यता अधिकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो लेक्स लॉकी कानून को। और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि लेक्स लॉकी कानून क्या कहता है, धार्मिक अयोग्यता इसमें शब्द दिया गया है, तो धार्मिक अयोग्यता से आपको समझ में आ जाएगा कि धर्म को स्वीकार करने में जो अयोग्यताएं थोप दी गई थी उनका अधिकार अब दिलवा दिया जाएगा आपको, इस तरह का ये एक्ट है। ये आपने जाना सामाजिक और धार्मिक कारणों में। मेजर एडवर्ड का एक स्टेटमेंट था, भारत पर अपने अधिकार का अंतिम उद्देश्य ईसाई देश को बनाना है, यानी इस तरह से स्टेटमेंट दिए जा रहे थे वो लोग, देश को ईसाई बनाना चाहते थे किनारे किनारे साइड साइड। तो ये भी बातें लोगों को धीरे धीरे पता थी और ये ऊपर कारण वो सब देख ही रहे थे कि इन सब कारणों का निचोड़ वो जान ही रहे हैं कि देश को ईसाई बनाना है, इस तरह से भारतीय लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। एक बात ध्यान देने वाली और है कि वो रंग भेद की नीति का पालन करते थे हमेशा, भारतीय जो लोग होते थे उनको एकदम इन्फीरियर समझते थे और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, और जगह जगह पर रेस्टोरेंट होटल्स और रोड तमाम जगहों पर सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के स्टेटमेंट लिखे हुए मिलते थे, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी भारतीय तथा कुत्ते यहाँ पर आना वर्जित है। तो इस तरह की चीजों को जब पढ़ते थे भारतीय लोग तो उनके दिमाग में एकदम से बिजली कौंधती थी और वो एकदम विद्रोह के लिए तैयार हो जाते थे। अगला हमारा कारण है सैनिक कारण। सैनिकों के साथ भी कुछ ऐसे भेदभाव हो रहे थे, इसलिए सैनिक भी एकदम परेशान थे, विद्रोह करने के लिए तैयार थे, और आप जानते हैं कि इस विद्रोह को करने का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो सैनिकों को ही जाता है। असमान वेतन तथा भेदभाव की नीति, यानी उसी पद पर कोई भारतीय होता था तो उसको कम वेतन दिया जाता था और उसी पद पर कोई विदेशी या अंग्रेज होता था तो उसको ज्यादा वेतन दिया जाता था, इस तरह की तमाम सारे भेदभाव उनके साथ होते थे। जैसे आप देख सकते हैं चार्ल्स नेपियर ने भारतीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस व्यक्ति ने भारतीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा है, तो इस तरह से भले ही चाहे जितना अपने आप को देशभक्त की भावना के साथ लड़ते रहे हों लेकिन उनको भाड़े के सैनिक हमेशा माना जाता था। ब्रिटिश आर्मी ड्रेस कोड लागू कर दिया जाता था। ब्रिटिश आर्मी ड्रेस कोड का मतलब ये है कि सबको एक तरह की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, यूनिफॉर्म के साथ साथ एक तरह के बाल रखने पड़ेंगे, एक तरह के उनको पगड़ी पहननी पड़ेगी, एक तरह के जूते, सब चीज एक तरह का। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ लोगों को विरोध हुआ क्योंकि तमाम सारे लोग थे वो विशेष प्रकार की पगड़ी, जैसे उच्च जाति तमाम सारे सैनिक होते थे वो विशेष प्रकार की पगड़ी पहनते थे, उनकी पहचान होती थी, तिलक लगाते थे। कोई जैसे मान लीजिए मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति है वो दाढ़ी रखता था, तो इस तरह की चीजें अब उनको करने से मना किया गया। जब मना किया गया तो उनके एकदम अंदर से धार्मिक भावना उनकी क्या हो गई, आहत हो गई, और इस वजह से भी वो विद्रोह करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। भारतीय डाकघर अधिनियम 1854 पारित किया जाता है और इस एक्ट के तहत कहा जाता है कि अभी तक भारतीय जो किसान थे, भारतीय जो सैनिक थे, उनसे क्या नहीं लिया जाता था, जब भी वो चिट्ठी लिखते थे उनसे निःशुल्क चिट्ठी लिखवाई जाती थी, यानी उनका कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इस चीज को समाप्त कर दिया गया और उनसे चिट्ठी लिखने पर उनसे चार्ज लिया किया जाएगा, यानी पैसे उनसे वसूल किए जाएंगे। इस तरह से भी ये क्रोधित हो गए। 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया और इसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाकर सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया, यानी इससे पहले भारतीय सैनिकों को समुद्र जाने पर वो लोग भारतीय सैनिक मना कर देते थे कि हम समुद्र के बाहर जाकर के सेवा नहीं दे पाएंगे, और इस बात को अंग्रेज स्वीकार भी करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा पुराणों वेदों में लिखा हुआ है हिंदू धर्म के कि जो भी व्यक्ति समुद्र को पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति समुद्र पार जाता था तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता था अपनी सोसाइटी में, उसको अपना गांव से निकाल दिया जाता था बाहर। ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सैनिक होता था वो समुद्र से बाहर सेवा नहीं देता था,
लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे म्यांमार वगैरह की विजय करेंगे अभी तमाम भाई, तो उन्होंने समुद्र पार जाकर के सेवा देने पर उनको विवश किया और इस एक्ट के तहत उन्होंने बात मनवा ली। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। जेम्स आउट्रम की एक रिपोर्ट है, आउट्रम जानते हैं आप कि कौन है आउट्रम, आउट्रम वही व्यक्ति जिसकी वजह से अवध का विलय होगा। तो संभवतः बिना किसी अपवाद के अवध का हर एक हथियार परिवार ब्रिटिश सेना में अपना एक सदस्य भेजता है। तो जेम्स आउट्रम ने रिपोर्ट दी थी, किसको दी थी, डलहौजी को दी थी, और आगाह किया था कि यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है। और हमने आपको बताया कि जब इस पर अवध पर अधिकार कर लिया जाएगा तो वही सारे लोग एकदम क्या हो गए, जो अभी अभी तक अंग्रेजों को अपना भगवान मानते थे, यानी मानते थे कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, एकदम से वफादारी को उनको झकझोर दिया गया। और जब वफादारी को झकझोर दिया गया तो ये भी विद्रोह के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा ये सिपाही जो थे, इनके घर वाले, इनके भाई बहन, माता पिता जो भी थे, वो सब किसान थे। ये तो भले ही आर्मी में आ गए थे, लेकिन इनके माता पिता भाई बहन जो भी हैं, जो गांव में छूटे हुए हैं अवध में, वो सारे के सारे लोग क्या किसान हैं। तो चिट्ठी के माध्यम से इनको पता चल जाता है कि किस तरह से अंग्रेज हमारे लिए क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से लगान वसूल कर रहे हैं, बहुत समस्या हो गई है। तो इनके अंदर एकदम से इस बात की भी चिंता थी कि हमारे माता पिता के साथ, हमारे परिवार के लोगों के साथ शोषण हो रहा है अवध में। तो ये एक कारण था, और इनके साम्राज्य को, इनके राज्य को विलय कर लिया गया, ये कारण था। इस तरह तमाम सारे कारण, सैनिक कारण भी थे, जिस वजह से सैनिक जो होते हैं विद्रोह करने के लिए, विद्रोह की शुरुआत करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हालांकि ये जो विद्रोह था 1857 का, ये पहला सैनिकों का विद्रोह नहीं था, इससे पहले भी तमाम सारे सैनिकों के द्वारा विद्रोह किए जाते हैं। उनमें सबसे पहले 1764 में आप जाने बक्सर युद्ध में, तो मुनरो की सेना की एक बटालियन नवाब की सेना से मिल गई थी। आप सबको पता है कि नवाब की सेना की बटालियन मिली थी, या नवाब की सेना जो थी वो शामिल हो गई थी अंग्रेजों की तरफ, मुनरो की तरफ। लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि मुनरो की भी एक छोटी सी बटालियन क्या हो गई थी, नवाब की तरफ शामिल हो गई थी। हालांकि वो अपने कार्य में सफल नहीं हुई, इसलिए उनका नाम याद नहीं रखा जाता। तो हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। सबसे इन चार हमने यहाँ पर रखे हैं, और भी कई इस तरह से विद्रोह होते हैं छोटे छोटे, इनमें सबसे ज्यादा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1806 का वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, एक धार्मिक विद्रोह होगा। होता ये है कि वहां पर भी सैनिकों को धार्मिक कुछ प्रतीक चिन्ह, जैसे हिंदुओं को तिलक लगाने, पगड़ी बांधने के लिए मना किया जाता है, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने पर मना किया जाता है। तो इस तरह से उनको धार्मिक जब ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वो विद्रोह के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और उन्होंने भी विद्रोह कर दिए, धार्मिक कारणों से भी इन्होंने विद्रोह किए हैं। अभी आप 1857 के विद्रोह को भी देखेंगे, ये भी धार्मिक कारण से ही विद्रोह होगा, और सेम टू सेम ऐसा ही विद्रोह होता है। इस वजह से इसको 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। वेल्लोर सैनिक विद्रोह के बारे में हम एक अलग से वीडियो आपको बनाएंगे 5 मिनट का, और उसमें आपको वेल्लोर सैनिक विद्रोह की पूरी स्टोरी बताएंगे डिटेल से, उसको पढ़ लीजिएगा अलग से। लेकिन ये प्रश्न पूछा बहुत ज्यादा जाता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे विद्रोह होते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। तो विद्रोह 1857 के पहले भी कई सारे होते हैं सैनिक विद्रोह, इनमें वेल्लोर के विद्रोह आपको तैयार करना है। अब बात करते हैं तात्कालिक कारणों पर विद्रोह में। ये तो जो आपने पीछे भी पढ़े हैं, ये सारे कारण पुराने थे, यानी बहुत समय से चले आ रहे थे। लेकिन अचानक उसी समय 1857 के आसपास ही ऐसी कौन सी घटना हो जाती है जिससे विद्रोह हो जाता है। 1856 में होता यह है कि पुरानी ब्राउन बेस नामक एक बंदूक थी, उसको हटा दिया जाता है, और हटा करके एक नई राइफल लाई जाती है, लॉन्च की जाती है, जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। इसको प्रयोग किया जाता है, यानी दम दम सियालकोट अंबाला में इसका प्रैक्टिकल चल रहा होता है कि किस तरह से काम करती है। इनमें गाय की जो है चमड़ी लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा डार्क कलर का, तो ये सुअर का चर्बी लगा हुआ है यहाँ पर। तो यही सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि तो ये गाय का जो मांस है, वो गाय का मांस किसके लिए नुकसानदायक है, यानी अगर उसका मुंह, उसको मुंह लगाएंगे तो हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और सुअर की चर्बी, सुअर की जो चर्बी को मुंह लगाया जाएगा तो मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और इसको दांत से खोल करके डालना पड़ता था बंदूक में। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। आपको पता है मंगल पांडे की कहानी को जानते ही होंगे आप लोग, किस तरह से देखिए, ये देखिए ग्रीस यहाँ पर लगा हुआ, अंदर इसके बुलेट है, इसके अंदर पाउडर है, और इसको ऐसे करके खोल दिया जाता था दांत से यहाँ से खोल करके इसको, पहले पाउडर जो है, पाउडर यानी बारूद को अंदर डाल दिया जाता था, और बारूद को अंदर डाल करके बाहर उसके ये जो बचा है ये वाला हिस्सा बुलेट वाला, तो बाहर का बुलेट का हिस्सा डाल दिया जाएगा,
इसके बाद उसको ऐसे करके लोड कर लिया जाएगा, ऐसे ठोक ठोक करके भर दिया जाएगा, बाद में फायर किया जाएगा तो पीछे से बारूद होगी, बारूद ठोकर मारेगी तो बुलेट जो है आगे जाएगी। इस तरह की एक राइफल आई थी और इस राइफल का नाम है न्यू इनफील्ड राइफल। तो यही रीजन था कि 1857 के विद्रोह के पहले ये घटना सबको पता चल जाती है और धार्मिक रूप से सारे लोग क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं विद्रोह करने के लिए, और मंगल पांडे ने उसकी शुरुआत कर दी थी। ठीक, तो इसके अगले वीडियो में 1857 के विद्रोह के प्रसार का हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा बड़ा होगा वो वीडियो, किस तरह से प्रसार कहाँ से कहाँ तक होता है, इम्पोर्टेंट भी काफी ज्यादा है। उसके बाद अंतिम जो वीडियो होगा 1857 के विद्रोह का, उसमें हम उसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। इस तरह से हमारा ये 1857 की क्रांति समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।